सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जो सतगुरु मिलते नहीं जाते यम के द्वार। यम द्वारे में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू न छूटता फिरता चारों खान। चार खानी में भरमता कबू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार। दोस्तों, ये वाणी कबीर साहब जी की, जो स्वयं एक पूर्ण परमात्मा, पूर्ण संत और पूर्ण भक्त का ट्रिपल रोल उन्होंने निभाया था, आज वो चरितार्थ होते हुए नजर आ रही है। हमारी टीम पहुंची है जिला आगरा के अंदर, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के जिला स्तरीय सत्संग यहां पे हो रहा है, जिसमें सभी धर्म के लोग इस सत्संग के अंदर पधारे हुए हैं। हमारे साथ एक एजुकेटेड शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। तो दोस्तों, अब हम आपको वो चीज़ बताएंगे जो चीज़ आपको शायद नहीं पता होगी। बने रहिए इस इंटरव्यू के साथ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद है। क्या करते हैं सर? मैं डाटा फीडिंग ऑपरेटर हूँ। सर, एक प्रश्न आपसे। संत रामपाल जी महाराज जी, जिस तरीके से प्रचार संत रामपाल जी महाराज जी का सोशल मीडिया पे हो रहा है, तो क्या आने वाले समय के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में विश्व को एक कर पाएंगे? क्या विचार है सर? संत रामपाल जी महाराज जी का अद्वितीय ज्ञान है और प्रमाण सहित है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो सभी धर्म अलग अलग बने हुए हैं, उन सभी धर्मों को एक ही धागे में पिरोना संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है, और वो भी प्रमाण सहित। क्योंकि सभी कहते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि सबका मालिक एक कौन है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने सिद्ध किया है कि सबका मालिक एक पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी हैं, जो आपके कुरान में भी हैं, जो आपके बाइबल में भी हैं, जो आपके वेदों में भी हैं, जो आपके गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक पूरे मानव समाज को, जीव हमारी जाति और मानव धर्म हमारे में जोड़ दिया है। क्योंकि जाति पाति का भेद यहाँ ख़त्म हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी जो आगे बताने वाले हैं, जो ज्ञान बता रहे हैं, वो सभी ज्ञान के आधार पर सभी पंथ एक हो जाएंगे, सभी धर्म एक हो जाएंगे। केवल एक ही नारा रह जाएगा, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। सभी लोग एक दूसरे का भला करने की सोचेंगे, कभी इन चीज़ों में उलझेंगे नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा ज्ञान है कि जो उस ज्ञान को समझता है और उस ज्ञान को सुनता है, वो ऑटोमेटिक अपने आप को उसी ज्ञान में ढाल देता है और बुराइयों से छूट जाता है। सर, हम देखते हैं कि कहीं पे लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। कुछ संत अपने धर्म को ऊपर बताते हैं, तो कुछ संत दूसरे धर्म की निंदा करते हैं। लेकिन यहीं पे संत रामपाल जी महाराज जी सभी धर्मों को साथ लेते हुए सभी संतों के ज्ञान को टीवी पे वो दिखाते भी हैं और शास्त्रों से वो प्रमाणित भी करते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी दूसरे संतों की निंदा करते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने केवल सच्चाई बताई, और सच्चाई के अलावा कुछ नहीं बताया है, अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोला है। जैसे कोई सरकार नकली नोट छपते हैं और उसके पास असली जो नोट होते हैं वो सरकार के द्वारा आम लोगों तक पहुंचते हैं। अगर सरकार असली नोट की परख बता रही है कि असली नोट में ये चीज़ें आपको देखनी है, तो वो नकली नोट की निंदा नहीं कर रही है, जबकि उन्हें अवगत करा रही है कि आप इस जाल में ना फंस जाएं। इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी असली ज्ञान को बता रहे हैं कि आप पाखंडवाद में ना फंस जाएं। क्योंकि आज के समय में आप देख सकते हैं कि पाखंडवाद किसी भी धर्म में, कोई भी धर्म हो, उसमें चरम सीमा पर है। संत रामपाल जी महाराज जी उस पाखंडवाद को ख़त्म कर रहे हैं और वेदों अनुसार जो हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ है, उस अनुसार ज्ञान को बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी राजनीति से बहुत दूर हैं और राजनीति उनके शिष्यों से भी बहुत दूर है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य, आप विधायक या सांसद का इलेक्शन तो छोड़िए, एक जो गांव का सदस्य का इलेक्शन होता है उसको भी नहीं लड़ते हैं। वो राजनीति से कोसों दूर है, क्योंकि उन्हें पता है कि राजनीति में जाने से उनका कितना नाश हो सकता है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, समाज सुधार आप अपनी तरफ से कीजिए, अपने आप को सुधारिए, राजनीति में पड़ने से कोई नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायी में से एक भी अनुयायी राजनीति में नहीं है, तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और आज से नहीं, सन 1994 से जब से नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी ने,
लोगों को देना स्टार्ट किया है। तब से और आज तक 2023 तक कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी का एक शिष्य भी राजनीति के अंदर नहीं गया है। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है समाज सुधार के लिए, और समाज सुधार के कार्यों में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कोई भी नशा नहीं करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के कोई भी शिष्य भ्रूण हत्या नहीं करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के कोई भी शिष्य आपके जाति पाति को नहीं मानते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के कोई भी शिष्य इन सभी बुराइयों से दूर हैं, ना दहेज लेते हैं ना देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मानव कार्य के कल्याण के कार्यों को करते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुनते हैं और उसी अनुसार प्रभावित होकर रक्तदान और देहदान जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और भारी संख्या में ये करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी लाखों लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर वर्ल्ड वाइड ट्रेंड भी होता है, और सोशल मीडिया के माध्यम से सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों ने नाम दीक्षा भी ली है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का समर्थन प्रत्येक वर्ग प्रत्येक समाज के लोग आज कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थन में बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो शिक्षित हो सभी लोग उनका समर्थन करते हैं, चाहे पैसे से कोई डॉक्टर हो इंजीनियर हो वकील हो या अभिनेता हो या नेता हो। सभी लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जैसा अद्वितीय ज्ञान कोई नहीं दे सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य हैं और इससे एक राह मिल रही है, एक दिशा मिल रही है मानव समाज को। तो सर क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो भविष्यवाणी भविष्यवाणी रह चुकी है जिसमें उन्होंने बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने आध्यात्मिक ज्ञान से तीसरे विशुद्ध को भी टाल देंगे, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से दुनिया तीसरे विशुद्ध की तरफ अग्रसर हो रही है, क्या से तीसरा विशुद्ध संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के माध्यम से टल सकता है? जो भी भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियाँ की हैं उन भविष्यवाणियों में कुछ पॉइंट दिए गए हैं और उन पॉइंटों को हम जब मिलान करते हैं तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी पर ही फिट बैठते हैं। चाहे वो आपके नास्तेन्द्रमस हों, चाहे फ्लोरेंस हो, चाहे आपके जय गुरुदेव पंथ के तुलसीदास महाराज हों, चाहे आपके फ्लोरेंस हो, और बहुत सारे जिन्होंने भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियाँ की हैं वो इन्हीं के लिए हैं। और भविष्यवाणियों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो अधेड़ उम्र का होगा और उसका ज्ञान उसके फॉलोवर कम संख्या में होंगे, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ जाएगी कि पूरी दुनिया उसका समर्थन करने लग जाएगी, और उसका समर्थन करने के बाद वो तृतीय विश्व युद्ध को भी रोकेंगे। उसका प्रमाण इसलिए है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसको एक बार कोई सुन लेता है उसके बाद वो खुद संत रामपाल जी महाराज जी का फॉलोवर हो जाता है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाण सहित बताते हैं और कहते हैं ना कि आपको दो का टेबल भी पढ़ना है और ये प्राप्त करना है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत, तो सबसे पहले आप टेबल बुक को ही देखेंगे, उससे ही आप मिलान करेंगे। इसी तरीके से हमें कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करनी है, हम मनुष्य जीवन किस लिए हमने यहाँ प्राप्त किया है, किस लिए आए थे, किस लिए जाना है, क्या हमारी यहाँ पर उपलब्धि है, हम क्यों यहाँ पर भटक रहे हैं, 84 लाख योनियों में क्यों भटकते हैं। जैसे आपने शुरुआत में ही दुआ गाया था कि जो 84 लाख योनियों का दर्द है वो असहनीय दर्द है, उसको केवल संत रामपाल जी महाराज जी मिटाते हैं। क्योंकि मोक्ष मार्ग मिलने के बाद ना तो स्वर्ग में जाना पड़ता है ना नरक में जाना पड़ता है, और मनुष्य जीवन यहाँ पर दोबारा नहीं होता है, और हम जो जन्म मृत्यु का रोग है उससे भी छुटकारा पा लेते हैं। सर यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ फॉलोअर्स हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको वो स्थान दिखाया है जिसको गीता में सनातन परम धाम अर्थात सतलोक या सचखंड कहते हैं, और वापस उनकी आत्मा को उनके शरीर में भेज दिया है। तो ये बात कितनी हद तक मतलब जनता किस तरीके से विश्वास कर पाएगी कि क्या वाकई में कोई एक ऐसा स्थान है जहाँ से हम लोग आए थे और वहाँ पर हम वापस जा सकते हैं? पहले बहुत सारे लोगों को संत जो कबीर साहिब जी थे वो ले गए थे, नानक साहिब जी हैं, दादू साहिब जी हैं, मलुकदास साहिब जी हैं, इनको संत रामपाल जी महाराज जी ने वो परमधाम दिखाया है। गरीबदास जी महाराज जी हैं छुड़ानी हरियाणा के रहने वाले, उनको भी उन्होंने वो परमधाम दिखाया था, उस सतलोक को दिखा के लेके आए थे, और सतलोक को दिखाने के बाद उन्होंने अपनी वाणियों में अमर ग्रंथ में ये सारी चीज़ों को खोला है। और नानक साहब जी ने भी बोला है, ए ठगवाड़ा ठगी देश खड़ा से आना बोतावास, ये धारक रूप रहा करतार। तो वो कबीर साहिब जी ही थे जो के ले गए थे
आज संत रामपाल जी महाराज जी ले जा रहे हैं अपने शिष्यों को और उस परम धाम को दिखा के ला रहे हैं। लेकिन पहले वो जानकारी लोगों तक नहीं पहुंची थी क्योंकि साधन नहीं थे पहुंचाने के, लेकिन आज एक सबसे बड़ा साधन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर हैं वो वहाँ घूम के आए हैं, उस सतलोक धाम को देख के आए हैं और उन्होंने यहाँ पर बखान किया है अपने इंटरव्यू के माध्यम से। इंटरव्यू लाखों की संख्या में है लेकिन उनमें से सैकड़ों की संख्या में वो है जो उस परम धाम को देख के आए और वो गवाही दे रहे हैं इस चीज़ की। तो हम इसलिए इस चीज़ को प्रमाण सहित सत्य मानते हैं क्योंकि एक बंदा कोई प्रमाण दे और वही सैकड़ों की संख्या में उसी चीज़ का प्रमाण दे और उसका व्याख्यान भी अमर ग्रंथों में पहले से हो रखा है लेकिन आज हमें पता चल रहा है, वो सोशल मीडिया का ही एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुए और चैनल हुए, इन चैनलों के माध्यम से हमें देखने को मिल पा रहा है। जैसे साधना टीवी हुई, उस पर सत्संग आता है, उस पर इंटरव्यू देखने को मिलते हैं, ऐसे न्यूज हुआ उस पर हमको इंटरव्यू देखने को मिलते हैं, ऐसे स्टोरी हुआ, तो इन चीज़ों के माध्यम से आज ये बहुत ही सरल हो गया है मोक्ष प्राप्त करना अगर कोई भी भक्ति मार्ग में लगा रहे और वो आसानी से अपने प्रमाणों सद्ग्रंथों के हिसाब से भक्ति करता रहे, तो मोक्ष मार्ग बहुत ही सरल है, इतना कठिन नहीं। सर एक लास्ट प्रश्न है आपसे कि बहुत लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं लेकिन जब वो देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के इतने नियम हैं तो उस नियम को देखते हुए वो लोग पीछे हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? उसका कारण एक है कि जो बुराइयाँ हैं और जो अच्छाइयाँ हैं वो एक साथ नहीं रह सकती हैं। जैसे कि आपने देखा एक नरक एक स्वर्ग है, दोनों ही अलग अलग स्थानों पर बने हुए हैं, इसी तरीके से बुरे लोगों की संख्या एक जगह संगत में स्थिर रह जाती है, इसी तरीके से अच्छे लोगों की संख्या एक स्थिर रह जाती है। तो अच्छे बुराइयों से छुड़ाकर अच्छाई में ले लाने का काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। अगर कोई बीड़ी सिगरेट तम्बाकू का उपयोग करते हैं अगर वो छुड़वा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी तो क्या गलत कर रहे हैं? अगर किसी को दहेज लेना और देना मना कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? किसी को पाखंडवाद से छुटकारा दिला रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? किसी को रिश्वतखोरी से छुटकारा दिला रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज जी इन चीज़ों को छुड़वा रहे हैं, गलत चीज़ों को, कोई गलत काम कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि आज समाज उनका खुद समर्थन कर रहा है, खुद उनके समागम में जाके इस चीज़ का व्याख्यान करता है कि ऐसा प्रोग्राम हमने अभी तक नहीं देखा। सर एक प्रश्न और आपसे बीच में हम करेंगे, आखिर ऐसा कैसे हो पा रहा है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी तो आज शायद जेल में हैं लेकिन जेल में रहते हुए भी वो अपने भक्तों को इतना लाभ कैसे दे पा रहे हैं और लोग कैसे जुड़ पा रहे हैं कैसे संत से जो आज आश्रम में ना होके एक जेल के अंदर मौजूद हैं? संत रामपाल जी महाराज जी भविष्य के लिए एक करके जा रहे हैं क्योंकि उन खुद लिखा हुआ है और खुद बताया गया है कि ये जो भक्ति मार्ग है ये 1000 वर्ष तक चलेगा और उसके लिए पूरा सिस्टम संत रामपाल जी महाराज जी बना के जा रहे हैं। 2008 में भी वो जेल में गए थे तब भी उनका यही ज्ञान चलता रहा था और उनके फॉलोवर बढ़े थे, आज भी हैं, आज भी जब आएंगे तो वो संत रामपाल जी महाराज जी लोगों की नज़रों में जेल में हैं लेकिन हम सभी लोगों को वही फायदे हो रहे हैं जो पहले हो रहे थे, वही लाभ हो रहे हैं जो पहले हो रहे थे। आज उनसे वही लोग जुड़ रहे हैं जो बुराइयों को छोड़ रहे हैं और अच्छाइयों में आ रहे हैं। तो जो लोग अच्छाइयों में आना चाहते हैं वो लोग सभी संत रामपाल जी महाराज जी का जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जो मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य प्राप्त कर चुके हैं, यानी पता चल गया है कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना है, तो वो लोग स्वतः ही वहाँ से छूटकर यहाँ आ रहे हैं। कैसे जुड़ सकते हैं संत रामपाल जी महाराज? रामपाल जी महाराज जी के कई चैनलों पर सत्संग आता है, जैसे आपका श्रद्धा टीवी पर आता है दोपहर को, साधना टीवी पर शाम को आता है 7:30 से 8:30, तो उन पर नीचे पट्टी चलती रहती हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे आपने फोटो वीडियो देखी हैं उन पर भी ये जानकारी होती है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के 500 से ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, उन पर जाके नाम दीक्षा लेकर वो लोग जुड़ सकते हैं और किसी भी जगह संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग होते हैं वहाँ पर भी जाके नाम दीक्षा लेकर वो जुड़ सकते हैं और बुराइयों को छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।